फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ये देखिए केला लिली में कितना खूबसूरत ऑरेंज कलर का फ्लावरिंग हुई है और अभी बर्ड्स आ रही है। अच्छा, एक बात बताऊँ, केला लिली में वैसे प्लेन पत्ते भी आते हैं, बट मुझे ये दिख रहे हैं आप लाइनिंग वाले कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाइब्रिड केला लिली है और बहुत खूबसूरत लगती है गार्डन में। इसके कलर बड़े प्यारे हैं, ये देखिए। अगर इनमें फ्लावरिंग ना भी हो रही हो तो भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये एक पिछले बरसात में मैंने एक निकाल के लगाया था इस तरीके का, इस बाल्टी में, और अभी इसमें काफ़ी सारे हो रहे हैं। मेरा मन है कि इसको यहाँ से निकाल करके और कहीं लगाने का, बट अभी कोई पॉट नहीं मिल रहा है। मेरा मन है कि इसको मैं काफ़ी सारी जगह लगाऊँ। ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और कोई ख़ास मेंटेनेंस भी नहीं है। और इसके कलर्स देखिए आप कितने खूबसूरत निकल के आए हैं, और फ्लावरिंग तो बिल्कुल हट के है ऑरेंज कलर की। ये देखिए, लग रही है ना येलो और ऑरेंज कलर का इसका कॉम्बिनेशन है, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मुझे जो इजी टू मेंटेनेंस प्लांट है, जो इनकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती है और जो खूबसूरत निकल के आते हैं, वो प्लांट ज़्यादा पसंद हैं। अब इस ये आप हर हालत में, आपकी सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, चलते हैं हमारे गार्डन में, ख़राब नहीं होते हैं और डिवाइड करके इजी लग जाते हैं। आप जितने मर्ज़ी इसको बढ़ा लो, अगर थोड़ा सा पॉट बढ़ा देते हैं तो भी बेहतर है, और छोटे में लगाते हैं तो भी। ये हर हालत में आपके गार्डन में अगर एक बारी आप ले आते हैं तो आपके गार्डन में बड़ी खूबसूरती से परफॉर्म्स करते हैं। फ्लावरिंग भी देते हैं, ये अपना टाइम टाइम पे देते रहते हैं। जब फ्लावरिंग ऑफ हो जाए इनकी, तो इस तरीके की आप स्टैम्प निकलती है, देखिए। तो इसमें इस स्टैम्प पर जितनी बर्ड्स आपको नज़र आ रही हैं, जब तक ये बर्ड्स फ्लावरिंग नहीं कर रही हैं पूरी तरह, आप इसको लगा रहने दीजिए। जब ये फ्लावरिंग करके ऑफ हो जाए तब आप इसकी इसको स्टैम्प को काट दें। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट्स लगता है मुझे, और डिवाइड करके अगर आप लोगों के पास में है तो ज़रूर लगाएं, या किसी फ्रेंड्स के यहाँ से डिवाइड करके एक नीचे से, अच्छा रूट्स जरूर, अंदर नीचे इसकी बॉल होती है, वो बॉल ज़रूरी होती है। अगर आप वो बॉल निकाल के लेके आते हैं और लगा देते हैं, एक लगा दें और अपने आप ही पॉट में बहुत सारी नीचे नीचे हो जाती हैं, और जब नीचे नीचे होती हैं तो उसी हिसाब से इसमें प्लांट निकलने लगते हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखिए, मैंने एक बाल्टी ले रखी डिस्टम्बर की और उसमें लगाया है इसको, और मैं इसको अपनी सिस्टर के यहाँ से लाई थी, माली भैया के यहाँ से नहीं लाई थी, और एक छोटी सी मैं बता रही ना, इतनी बड़ी लाई थी, इतनी बड़ी ये है। और अभी ये काफ़ी सारी हो रही है। हाँ, प्लेन वाली थी मेरे पास, पर वो किसी कारणवश ख़राब हो गई। एक ही में लगा रखी थी, वो भी मैंने शायद मैंने निकाल दी थी, वो मुझे उससे बेहतर ये लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा। वो रेड कलर की फ्लावरिंग वाली थी। और ये अच्छा, इसकी खासियत मैंने पहले ही बताई आपको कि अगर इसमें फ्लावरिंग ना भी हो रही हो तो भी इसकी जो लीव्स हैं, ये देखिए लग रही है ना खूबसूरत। तो इसकी लीव्स के कारण बहुत अच्छी लगती है गार्डन में। आप इसको जगा दें, आप इसको थोड़ा सा सेमी प्लेस में भी रख सकते हैं, और थोड़े बहुत दिन अगर इंडोर रख के आप रखें, फिर इसको आप, बहुत खूबसूरत प्लांट है और इंडोर रखना चाहें तो इंडोर रखें। हफ्ते में एक बार अगर आप इसको सेमी प्लेस में रख दें वन डे, उसके बाद नीचे भी रखेंगे तो भी चलेगा। बहुत खूबसूरत प्लांट है, और अगर आप इसको टेरेस भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हर कंडीशन में, बताया मैंने आपको, हर कंडीशन में ये प्लांट्स बहुत खूबसूरती से परफॉर्म करता है आपके गार्डन में। जब तक आपकी इच्छा है आप इसको अपने गार्डन में रखें, वैसे तो इच्छा की बात तो ये कि कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे गार्डन से ये जाएं, और आप डिवाइड करके इनको बढ़ाते रहें। अब बरसात में मैं इसको डिवाइड ज़रूर करूँगी और इसको कम से कम दो प्लांटर में लगाऊंगी एक साथ, और इसको जितना ज़्यादा लगाएंगे एक साथ लाइन में भी लगा सकते हैं आप, अगर आपके पास ज़मीन का एरिया है। बड़े खूबसूरत लगते हैं, एक ही ले आएँ और उसके बाद बहुत सारे अपने आप ही हो जाएंगे ये। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये खूबसूरत सा प्लांट खूबसूरत लगा हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भाई बहन पहली बार हैं मेरे इस चैनल पे, उनसे कहना चाहूँगी फिर से आप मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार है, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अच्छी अच्छी जानकारी इसी तरीके की मैं आप लोगों को देती रहूँगी। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी जानकारी के साथ।
तब तक आप मेरे इस खूबसूरत सी वीडियो को एंजॉय करें। बाय फ्रेंड्स।